हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज उमेश कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आपने अक्सर इन वर्ड्स को सुना होगा। ये वर्ड्स इतने पॉपुलर हैं कि काफ़ी लोग हिंदी बोलते समय भी इन इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ये वर्ड्स पता हैं तो कंग्रेचुलेशन, और अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है लिटरली, और इसका मतलब होता है सच में या वाकई में। ये वर्ड आपके सेंटेंस में जान डालने का काम करता है। अगर आप नॉर्मली कोई सेंटेंस बोलें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप लिटरली को अपने सेंटेंस में ऐड कर देते हैं तो लोगों को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लिटरली आई एम वेरी हैप्पी, तो इसका मतलब हुआ सच में मैं बहुत खुश हूँ। लिटरली शी वॉज क्राइंग, सच में वो रो रही थी। लिटरली उसके पापा ने उसे बहुत मारा था, सच में उसके पापा ने उसे बहुत मारा था। दोस्तों, हमारा दूसरा वर्ड है रॉकेट साइंस। आपने इस वर्ड को काफ़ी सुना होगा। जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ कठिन नहीं है बल्कि आसान है, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। द इंटरनेट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट्स ईजी। इंटरनेट कठिन नहीं है, इट्स ईजी, ये आसान है। हर जॉब इज़ नॉट रॉकेट साइंस, शी लाइक्स हर जॉब। उसकी जॉब कठिन नहीं है, वो अपनी जॉब को पसंद करती है। तो चलिए वर्ड नंबर थ्री देखते हैं। गाइस, हमारा तीसरा और आखिरी वर्ड है एंड ऑफ द स्टोरी। एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कहानी खत्म। आपको एक्सप्रेशन तब बोलना है जब आप किसी टॉपिक पर आगे बोलना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हो कि वो टॉपिक वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। मोस्टली लोग इस एक्सप्रेशन को तब यूज़ करते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर ज़रूर जाना है और आपके दोस्त आपको जाने से मना करें, तब आप बोल सकते हैं आई विल गो एंड ऑफ द स्टोरी, मैं जाऊँगा, कहानी ख़त्म। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर।